हेलो एवरीवन, मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो को मैं हिंदी में बना लूँ। ओके, ये मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं हिंदी में बना लेता हूँ ताकि ज़्यादातर लोगों को समझ में आ सके। बहुत लोग ऐसे मुझे कॉल करते हैं जो कि ईस्ट उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग मतलब बहुत सारे पार्ट से बिलोंग करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमको संबलपुरी समझ में नहीं आता, तो सबको समझ में आए क्योंकि ये सबके काम की चीज़ है। ओके, तो मैं इस वीडियो को हिंदी में बना लेता हूँ। ये वीडियो में हम आंध्रा बीएड के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आंध्रा बीएड एक्चुअली है क्या, आंध्रा बीएड में एडमिशन कैसे लें, कोर्स फीस क्या है और कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको देखना है इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आंध्रा बीएड, आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं वेरी रिनाउंड, वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस एंड ऑथेंटिक। ओके, ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्या करते हैं, बीएड डिग्री प्रोवाइड करते हैं। और ये इतना फेमस क्यों है पता है? क्योंकि वो नेशन वाइड बीएड डिग्री प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप कहीं से भी हो, इंडिया में कहीं से भी हो, आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो। और द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अनलिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स दे हैव, उन लोगों के पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएँ वो उनका एडमिशन ले सकते हैं। ओके, नेशन वाइड प्रोवाइड करते हैं। आंध्रा बीएड इसीलिए फेमस है क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक है, रिनाउंड है, पॉपुलर है, फेमस है। और दो पॉइंट ये है कि वो नेशन वाइड एडमिशन प्रोवाइड करते हैं और इनका जो सीट्स है, बीएड डिग्री का जो सीट्स है वो अनलिमिटेड है। इसीलिए इतना फेमस है, बहुत सारे स्टूडेंट को बीएड की ज़रूरत है। एंड ओडिशा में ये इसलिए फेमस है क्योंकि ओडिशा गवर्नमेंट, आपको पता है कि ओडिशा गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कम सीट्स प्रोवाइड करता है। जब बीएड की बात आता है तो बीएड में अप्लाई करते हैं लाख स्टूडेंट, कम से कम 1 लाख तक स्टूडेंट बीएड में अप्लाई कर लेते हैं। ओके, 70,000 से 1 लाख तक स्टूडेंट अप्लाई कर लेते हैं और सीट कितना रहता है, 1,000। और वो 1,000 सीट में, वो 1,000 सीट में से सिर्फ 400 सीट, लास्ट ईयर 400 सीट सिर्फ गवर्नमेंट सीट था और 600 सीट जो था वो प्राइवेट सीट था। ओके, ओडिशा में ये लोग इसलिए फेमस है क्योंकि ओडिशा गवर्नमेंट के पास अपने स्टूडेंट के लिए, बीएड स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा कम सीट है। ओके, इसीलिए ओडिशा में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मतलब टीचिंग लाइन में जाना नहीं चाहते फिर भी बीएड करते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा और उन लोगों को मैं एक एडवाइस दूँगा कि क्यों करते हो भाई। ओके, मत करो, अगर टीचिंग लाइन में जाना नहीं है तो इसके पीछे क्यों 70-80 हज़ार अपना खर्चा कर रहे हो, 70-80 हज़ार से ज़्यादा खर्चा हो जाता है ट्रैवलिंग, फूड का मिला के। ओके, तो अगर पहले डिसाइड कर लो कि अगर टीचिंग लाइन में जाना है, फ्यूचर में कहीं ना कहीं एम है कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, अगर टीचिंग अच्छा लगता है तभी सिर्फ बीएड अप्लाई करो। अगर तुमको टीचिंग लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो क्यों अप्लाई कर रहे हो, मत अप्लाई करो, अपना 2 साल बेकार में बर्बाद मत करो, 2 साल कहीं और चीज़ में फोकस करो, कहीं और चीज़ में वो 2 साल टाइम दो, उसमें भी सक्सेस मिल जाएगा। सीरियसली किसी भी चीज़ में 2 साल टाइम दोगे तो डेफिनेटली सक्सेस विल कम। ओके, कुछ भी उसमें डाउट नहीं है, कोई भी मतलब हो, अगर सीरियसली मेहनत करते हो किसी भी चीज़ पर तो हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स कम टू आंध्रा बीएड के बारे में बता रहा था। तो मेनली जब आंध्रा बीएड के बाद आता है तो तीन यूनिवर्सिटी का जिक्र होता है और तीन यूनिवर्सिटी से ही करते हैं स्टूडेंट। वो क्या है, ANU, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी एंड भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ओके, अगर आप बोल रहे हो कि मैं आंध्र प्रदेश बीएड कर रहा हूँ और आंध्रा बीएड कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आप ये तीनों यूनिवर्सिटी में से किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में कर रहे हो। मैं ये बताना चाहूँगा, आंध्रा बीएड कर रहे हो तो ये तीनों में से किसी में से ही करो, जो सर्टिफिकेट आपका आएगा तो ये तीनों में से किसी का होगा, वो दूसरे कहीं से मत करो। ठीक है, और क्या है, ये आंध्रा बीएड जो है उड़ीसा में बहुत वाइड तरीके से फेमस है और हर साल करोड़ रुपीस बिजनेस करता है। आंध्रा प्रदेश बीएड में हर साल करोड़ रुपीस बिजनेस होता है क्योंकि स्टूडेंट ही इतना ज़्यादा हैं, एक एक स्टूडेंट से करीबन 70,000 ले लिया जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो हज़ार स्टूडेंट हैं, 50,000 स्टूडेंट, 40,000 स्टूडेंट। ओके, इफ ओनली 20,000 स्टूडेंट आर अप्लाइंग देन ऑल्सो दिस यूनिवर्सिटीज और द एजेंट्स एसोसिएटेड विद दिस यूनिवर्सिटीज आर इनकमिंग इन करोड़। ओके, वो बहुत ज़्यादा मतलब करोड़ रुपीज़ में इनकम कर रहे हैं। ठीक है, आंध्रा बीएड किसको कहा जाता है पता चल गया, आंध्रा बीएड वो है आंध्रा प्रदेश में जो ये तीन यूनिवर्सिटी नेशन वाइड और अनलिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रखते हैं और आप अगर आप आसानी से इसमें बीएड कर सकते हो तो उसको ही आंध्रा बीएड कहा जाता है।
और ये क्यों फेमस है, क्यों आंध्रा ब्रेड का इतना ज़्यादा मतलब बातों बातों में जिक्र होता है, वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, ई चीट वैलिड इन उड़ीसा और नॉट, ये उड़ीसा में वैलिड है कि नहीं है, और फ्यूचर अगर हम ये ब्रेड करते हैं तो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आता है क्या, कि आएगा क्या, ठीक है। तो देखो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो अगर उसको NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन अगर अप्रूव कर दिया है, ओके, अप्रूवमेंट दे दिया है कि आप बीएड डिग्री पढ़ा सकते हो, ओके, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक है, उसका सर्टिफिकेट 100% ऑथेंटिक है एंड नेशन वाइड ऑथेंटिक है। आप किसी भी स्टेट से हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, उड़ीसा की कोई बात नहीं है, उड़ीसा से हो, छत्तीसगढ़ से हो, बंगाल से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, ओके, बहुत ज़्यादा बिहार के स्टूडेंट, यूपी के स्टूडेंट, ओके, बंगाल के स्टूडेंट इसमें एडमिशन करते हैं, उड़ीसा के स्टूडेंट तो पूछो मत, इतना ज़्यादा करते हैं, ओके। सो इसका जो ऑथेंटिसिटी के बाद आता है, इसका जो वैलिडिटी का बाद आता है, तो ये वैलिड है, ओके, अगर NCTE ने अप्रूव किया हुआ है, और ये तीनों को NCTE ने अप्रूव किया हुआ है, ठीक है, तो ये वैलिड है उड़ीसा में, कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। आप अगर बताते हो कि मेरे पास आंध्र प्रदेश बीएड डिग्री है और मेरे पास ये यूनिवर्सिटी में से किसी का बीएड डिग्री है, तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, बिल्कुल रिजेक्ट कर नहीं सकता है, वो ऐसा बात कर ही नहीं सकता है। और कोई ऐसा अगर धमकी देता है या मतलब कुछ ऐसा करता है, तो आप उसके नाम पे केस ठोक सकते हो, ओके, तो ऐसा होने का चांस नहीं है, बिल्कुल मत घबराओ। मेरे ही कॉन्टैक्ट में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश से बीएड किया है, आंध्रा बीएड किया है, और वो लोग आज सक्सेसफुली गवर्नमेंट टीचर हैं, ठीक है। ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, एक या दो नहीं, बहुत लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने आंध्र प्रदेश से बीएड किया है और आंध्रा बीएड किया है और आज वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, ठीक है। तो NCTE अगर अप्रूव्ड है, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर NCTE द्वारा अप्रूव्ड है वो बीएड डिग्री पढ़ाने के लिए, आपका सर्टिफिकेट में अगर NCTE अप्रूवमेंट आता है, तो आपका डिग्री 100% वैलिड है, कोई भी उसको उसके खिलाफ क्वेश्चन उठा नहीं सकता, ठीक है। ये बात बहुत क्लियर हो जाओ, नाउ ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ हाउ टू टेक एडमिशन एंड कोर्स फीस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे देखो, आप अगर आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट हो, तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो इन यूनिवर्सिटीज में से। इन यूनिवर्सिटीज में आप बीएड कर रहे हो, उसको ही आंध्र बीएड कहा जाता है, कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। अगर आप आंध्र प्रदेश, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ओके, सो मैं क्या बोल रहा था, अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में से बीएड कर रहे हो, ठीक है, और आप आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट हो, तो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर आउटसाइड स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम एन आउटसाइड स्टेट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ओके, आंध्र प्रदेश से किसी भी बाहर के स्टेट में अगर आप बिलोंग करते हो, बाहर के स्टेट से हो, तो आप डायरेक्टली एडमिशन इनमें से नहीं ले सकते। यू कैन नॉट टेक एडमिशन डायरेक्टली, ओके, इन दिस यूनिवर्सिटीज, ओके, ये यूनिवर्सिटीज में से डायरेक्टली एडमिशन आप नहीं ले सकते डायरेक्टली, अगर आप उड़ीसा के स्टूडेंट हो या कहीं और स्टेट के स्टूडेंट हो, आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट हो, तो ठीक है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। लेकिन उड़ीसा के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी कॉलेज, ये इन यूनिवर्सिटीज का किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से आप कर सकते हो बीएड, या किसी भी एजेंट के द्वारा आप बीएड ये इन यूनिवर्सिटीज में बीएड कर सकते हो। डिस्टेंस मोड में भी कर सकते हो, रेगुलर मोड भी कर सकते हो, आपको डेली जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी रेगुलर सर्टिफिकेट आएगा, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जो आंध्रा बीएड कर रहे हो, तो आपको डेली जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 4 बार एग्जाम देने जाना पड़ेगा, और जो सर्टिफिकेट आएगा वो रेगुलर मोड का सर्टिफिकेट आएगा, उसमें लिखा होगा कि ये रेगुलर मोड पे मतलब बीएड किया हुआ है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। सो हाउ टू टेक एडमिशन, जब एडमिशन की बात आती है, अगर आप उड़ीसा के स्टूडेंट हो या किसी और स्टेट के स्टूडेंट हो, आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट नहीं हो, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा एक कॉलेज ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कि इसका एफिलिएशन हो, ओके, और नहीं तो कोई एजेंट ढूंढना पड़ेगा जो कि यहाँ एडमिशन करवाता हो। ऐसे एजेंट भरे पड़े हैं, सिर्फ बरगढ़ में देखो तो 40-45 ऐसे एजेंट हैं, उड़ीसा के सारे डिस्ट्रिक्ट में हज़ार मतलब नंबर का ऐसे एजेंट है, ओके, आप भी एजेंट बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ओके, एजेंट बनना है तो मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं बना दूंगा, ठीक है, ओके। सो ये सब बात है। तो कोर्स फीस क्या रहता है, देखो कोर्स फीस जो है
मैं इसमें और एक बार क्लियर कर देता हूँ। मैं एक्चुअली इसमें इसलिए इतना मतलब ड्राइंग व्रोइंग क्या हुआ है क्योंकि मैं पहले इस वीडियो को सोचा कि उड़िया में बना लूँ, फिर सोचा कि मैं हिंदी में बना लेता हूँ, तो उड़िया का कैंसिल कर दिया, हिंदी में बना दिया क्योंकि ज़्यादातर लोगों को समझ में आए, सब इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, सो जो कोसफिस रहता है वो क्या होता है, 65,000 से 70,000। मेरा कहने का मतलब ये है कि 70,000 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। एजेंट के हिसाब से अलग अलग एजेंट अलग अलग चार्ज करते हैं फीस। ठीक है, आपको अगर वो लोग एडमिशन दिला रहे हैं आंध्रा बीएड में तो अलग अलग एजेंट अलग अलग फीस चार्ज करते हैं। ओके, कोई 62,000 करेगा, कोई 65,000 करेगा, कोई 70,000 करेगा, कोई 65 से भी कम करेगा, कोई 60,000 में भी कर देगा। ठीक है, कर देते हैं, मुझे पता है ऐसे लोग, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई एजेंट 70,000 से ज़्यादा ले रहा है आपसे और आपसे डिमांड कर रहा है, इफ़ एनी एजेंट इज डिमांडिंग मोर देन 70,000 रुपीस फ्रॉम यू, देन आपको उस टाइम ये मतलब जान लेना पड़ेगा कि वो ठग रहा है आपको। ठीक है, वो ठग रहा है। ठीक है, तो कोई भी अगर 70,000 से ज़्यादा मनी डिमांड कर रहा है तो उसके पास से मत करवाओ। एजेंट भरे पड़े हैं, किसी और एजेंट से भी मतलब एडमिशन करवा सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 लेंगे, आजकल मतलब महंगाई भी बढ़ गई है इसीलिए मैं 70,000 बोल रहा हूँ, नहीं तो 70,000 भी नहीं बोलता। ठीक है, तो कोई भी अगर 70,000 आज के ज़माने भी, ओके, ये वीडियो जिस डेट में मैं बना रहा हूँ उस डेट में भी कोई 70,000 रुपीज़ से ज़्यादा आपको डिमांड कर रहा है, मांग रहा है, तो उससे मत करवाओ। ओके, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, सो ये रही फीस की बात। फीस रहेगा 65,000 से 70,000, इतना ज़्यादा लोग लेते हैं ये अमाउंट। मैं इसलिए कहा हूँ क्योंकि 65,000 से 70,000 के अंदर में ज़्यादातर एजेंट चार्ज करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट्स। एडमिशन लेने से पहले क्या होगा, आपको कुछ पॉइंट कन्फर्म करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट आपको वेरी श्योर रहना पड़ेगा, क्लियर रहना पड़ेगा, माइंड में कन्फर्म करना पड़ेगा। देखो, वेन एवर यू आर चूजिंग एन एजेंट, जब भी आप किसी एजेंट को चूज कर रहे हो, पहले पता कर लो कि वो एजेंट ऑथेंटिक है कि नहीं है। और ये अच्छा रहेगा कि आप अपने सीनियर्स को कॉन्टैक्ट कर लो, जो लोग की बीएड कर चुके हैं, अगर उनका बीएड अच्छे से हो गया है तो उनके एजेंट से आप ले सकते हो। और देखो, जब ये सीनियर की बात आती है, कुछ सीनियर ऐसे भी होते हैं जो लोग कमीशन के चक्कर में आपको डाल देंगे किसी भी एजेंट के पास, उनको 5,000-4,000 रुपीज़ मिल जाता है तो आपको बहला फुसला के डाल देते हैं, तो उसमें भी केयरफुल रहो। क्या करते हैं, रहेगा 65,000, आपको जब उस एजेंट से कांटेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे भी सीनियर्स होते हैं जो कि आपको 70,000 ले रहा है, बोलेंगे ऐसा 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 ऐसा, बहुत सारे मतलब रीजन बता देंगे। तो ये सीनियर्स लोग भी मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो बहुत मतलब वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। मैं बहुत लोगों से ये बात सुन चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, सो कन्फर्म दिस पॉइंट्स बिफोर अप्लाइंग। आपको दो चीज़ मतलब कन्फर्म करना है, एक तो चेक कर लेना NCTE साइट पे जाके, NCTE साइट सर्च मार लेना, उसमें जाके उस कॉलेज का नाम, ओके, उस यूनिवर्सिटीज का नाम उसमें डाल देना। अगर लिस्ट में शो करेगा NCTE के साइट में, अगर जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हो, इसमें से नहीं कर रहे हो, ठीक है, इससे अलावा किसी और से कर रहे हो तो एक बार, या इसमें भी कर रहे हो तो एक बार सर्च मार लेना। ठीक है, इसमें कर रहे हो तो सर्च मारने की ज़रूरत नहीं है, ओके, फिर भी सर्च मार लेना, कन्फर्म कर लेना, कन्फर्म कर लेना, सही बात है। ठीक है, एक तो ये कंफर्म कर लेना कि NCTE अप्रूव्ड है वो यूनिवर्सिटी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये कंफर्म कर देना कि जो एजेंट है वो ऑथेंटिक है, उसका उस लाइन में एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो कंफर्म कर लेना। एजेंट बहुत मतलब कुछ ऐसे भी एजेंट है, मैं मेनली ये बात वेस्टर्न उड़ीसा के स्टूडेंट को बताऊंगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे एजेंट के पास फंस गए हैं जिनको, जो एजेंट की ठक ठक कर बेवकूफ़ बना बना कर, ओके, उनको डरा कर 2,00,000 रुपीज़ तक भी ले जाते हैं, 2,00,000 रुपीज़ तक भी ले जाते हैं। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, उसने कहा मेरे से 2,00,000 ले गए, तो ये क्या कर दिया कि तुम 60,000 का जो कोर्स है वो 1-2,00,000 में कर रहे हो। ओके, वो बहुत मतलब बेवकूफ़ बना देते हैं। ठीक है, कुछ एजेंट्स क्या करते हैं 90,000 भी लेते हैं, या कुछ एजेंट्स क्या करते हैं 1,00,000 भी लेते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, फूड अलाइंस, उसमें मतलब आपका जो जब चार बार जाओगे, ट्रैवलिंग का खर्चा और फूड का खर्चा इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, ट्रैवलिंग का खर्चा और फूड का खर्चा इंक्लूडेड रहता है।
ट्रैवलिंग का खर्चा और फूड का खर्चा इंक्लूडेड रहता है, तो वो 1 लाख लेते हैं। आप कोशिश करो कि थोड़ा उनसे भी कम करवा सको, ठीक है। और मैं तो ये बताऊंगा कि ट्रैवलिंग का खर्चा और फूड का खर्चा खुद ही दो भाई, ठीक है। ट्रैवलिंग का खर्चा और फूड का खर्चा खुद ही मतलब लो, वो किसी एजेंट के पास से मत लो, ओके। वो बेवकूफ़ बना देगा आपको, बहुत तरीके से ठग लेगा। आप सिर्फ उसको कोर्स फीस दो अपना, ठीक है। ट्रैवलिंग का आप जो ट्रैवलिंग करोगे वहाँ जाओगे, या जो फूड मतलब का जो खर्चा होगा वो आप खुद ही हैंडल करो, वो सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। सो ये दोनों पॉइंट कन्फर्म कर लेना। एंड बी केयरफुल फ्रॉम लूटिंग एजेंट, ये बहुत अच्छे से। कुछ ऐसे एजेंट हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया कि ओडिशा में जो बीएड डिग्री का बीएड का जो डिमांड है वो करोड़ रुपीज़ का मतलब डिमांड है, करोड़ रुपीज़ का बिजनेस होता है बीएड में, ठीक है। तो आप जिस भी एजेंट के पास से कर रहे हो, ओके, आप जिस भी एजेंट के पास से बीएड एडमिशन करवा रहे हो आंध्रा बीएड में, ओके, तो आप पहले कन्फर्म कर लो कि वो एजेंट ऑथेंटिक है, वो एजेंट सही एजेंट है, लूटिंग एजेंट नहीं है, ओके। लूटिंग एजेंट से बच के रहो भाई, ठीक है। और यही सब था आंध्रा बीएड के बारे में। आई होप मैंने सारा पॉइंट डिस्कस कर लिया होगा। अगर कुछ रह गया, कुछ भी पॉइंट रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बहुत लोग अभी आंध्रा बीएड देने जा रहे हो और एक गाइडेंस आप लोगों को मतलब ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। एक माइंड सेट रहना चाहिए, कुछ पॉइंट्स क्लियर रहना चाहिए, जिससे कि आप घबराओ मत, जिससे कि आप मतलब भटक मत जाओ सही लाइन से, जिससे कि आपका पैसा एनर्जी बहुत कुछ बच सके। और मैं ये बात दोबारा रिपीट करूँगा कि जो लोग टीचर बनना नहीं चाहते, जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बीएड मत करो भाई, बीएड मत करो, ठीक है। अपना दो साल का टाइम, एनर्जी एंड मनी उसमें मत वेस्ट करो। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन होगा, बाकी आपके ऊपर, ठीक है। एंड इसमें और क्या बताने वाली बात है, और इस ये सब चीज़ें था। अगर आप आंध्रा बीएड में कर रहे हो बीएड, तो बहुत अच्छी बात है। आप मतलब घर में रहकर कुछ दूसरा चीज़ प्रिपरेशन भी कर सकते हो। और जो बीएड के बाद क्या होता है, आपको जो मतलब केवीएस एग्ज़ाम वगैरह देना है, या कुछ भी आदर्श विद्यालय या कुछ भी किसी भी टाइप का मतलब टीचिंग जॉब के लिए जो गवर्नमेंट निकालता है एग्ज़ाम देना है, तो उसका भी प्रिपरेशन आप घर में कर सकते हो, ओके, ठीक है। और इसमें मैं लास्ट में एक पॉइंट बताऊँगा, ओके। सी ये पॉइंट जो है, आई हैव ए मेरा एक और एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, स्काईज अकेडमिया करके, उसमें मैं एजुकेशन रिलेटेड वीडियो, प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। स्काईज अकेडमिया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसमें जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करो। उसमें क्या है, मैं इंग्लिश ग्रामर जो रहता है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, ओके, इंग्लिश के लाइन में कुछ भी मतलब जो सारे फील्ड है उसमें मैं सब कवर करवाता हूँ और आगे भी कवर करवाता रहूँगा, जिससे कि आपको, आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, या आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, या आप अपना इंग्लिश राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हो, या आपको इंग्लिश का किसी भी फील्ड में इंप्रूवमेंट चाहिए, ओके, अगर नहीं भी चाहिए, तो आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करके, इसमें जो मैं फ्री वीडियोज अपलोड करता हूँ, फ्री नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, वो सब में एक्सेस करना चाहिए, ओके। तो मैं ये आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अगर आप अभी एक स्ट्रगलिंग पीरियड में हो, इंग्लिश का ज़रूरत आपको आज नहीं तो कल पड़ेगा ही पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करो, आप हो तो इंग्लिश को लाइक मत कर सकते हो, आप हो तो इंग्लिश के पास जाना नहीं चाहते हो, लेकिन इंग्लिश आपके पास आएगा ही आएगा, ओके, एंड उस टाइम आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसमें कि आपके प्रिपरेशन में, ओके, बहुत मदद होगा और आपको फ्री वीडियोज मिलता रहेगा इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। बाकी सारे जो इंग्लिश ग्रामर के या इंग्लिश या किसी भी फील्ड के इंग्लिश का जो यूट्यूब चैनल वगैरह है, उन लोगों से मैं काफ़ी अलग पढ़ाता हूँ, उन लोगों से मेरा जो माइंड सेट है काफ़ी अलग रहता है, ओके। सो आपको इसमें से कुछ अलग सीखने को मिलेगा, कुछ डिफरेंट जानने को मिलेगा, आप कुछ दूसरा फील कर सकोगे, ओके। सो ये मेरा एक मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट्स योर डाउट, थैंक यू सो मच।